नो ध्यान देना, जिस क्वेश्चन का हम इंतजार कर रहे थे वह क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इंतजार हमने काफ़ी टाइम से किया और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हम ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दे लो। 0 से π log 1 + cos x, इस क्वेश्चन को मैं अलग से बता रहा हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चांसेस है आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 और ये मॉडुलस फंक्शन वाले 5, 6, 4th और फर्स्ट सेकंड थर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो अच्छे से कर लो बच्चों, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो 0 से a, हाँ जी क्या लगाएंगे अब हम, आइडिया बताओ। जब 0 से a हो तो क्या करते हैं हम, a - x, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 0 से π log 1 + cos π - x। यहाँ तक मन में डाउट किसी के, हाँ जी नहीं है, एक स्टेप फिर और देखो, 0 से π log 1, देखो cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस x, 180 में चेंज तो होगा नहीं, cos cos रहेगा, लेकिन सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो कैसा आ जाएगा, -cos x। इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये i और ये i + i 2i, 0 से π, देखो log m प्लस log n, हाँ जी log m प्लस log n क्या होता है बच्चों, log m प्लस log n, log mn क्या होता है, log mn, तो 1 - cos x। 0 से π, देखो log a प्लस b, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 - cos² x। तो लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान समझना, 2y = 0 से π, ये बन गया log। देखो एक बात बताओ बच्चों, 1 - cos² x क्या होता है, sin² x, क्या होता है, sin² x। 0 से π, 2 आगे ले जाऊं तो 2 log sin x। अब ये मैं 2 आगे क्यों ले गया, ये तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, नहीं आया। देखो log m की बेटा, देखो ध्यान देना, n की पावर m, अगर हम ऐसे हो n की पावर m तो मैं log लगा दूं तो पावर आगे आ जाती है ना, हाँ है ना। तो देखो ऐसी m की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगा, तो 2 आगे ले गया मैं, ठीक है। इसी का मैंने इस प्रॉपर्टीज का यूज़ किया, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से π log sin x dx, और ये क्या था, 2i, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। आपके पास i क्या आ गया, 0 से π। एक बार बताओ बच्चों, इस पाई का मतलब क्या है, हाँ जी क्या का मतलब, इस पाई का, पाई को क्या बोलते हैं, 180, क्या मतलब होता है, 180 है, कॉमन सी बात है 180, बताओ। तो 180 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 × π/2, हाँ है ना, हाँ है, लिख नहीं सकते क्या, लिख सकते हैं। अब देखो 0 से 2a, अगर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टीज हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। इसके ऐसे करने में दो आंसर आ सकते हैं, एक तो बच्चों ये 0 से a f x, और एक आंसर कब आएगा, 0। ये वाला कब आएगा, जब 2a - x करने पे क्या आ जाए, f x, और जब 2a - x करने पे क्या आ जाए, -f x। तो बस बस जगह तो मेरे पास है नहीं नीचे लिखने के लिए, आप पहले जरा कॉपी करो फिर देखते हैं। आपके पास क्या गिवन है, f x क्या दे रहा है बच्चों, log sin x, ठीक है। क्या करना है आपको, 2a - x, तो log sin, देखो 2a क्या आई है, 2a, यही तो 2a है, क्या पुट करेंगे, π - x, तो log पाई का मतलब होता है 180 में चेंज होता है कभी नहीं होगा, तो sin x, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपने एक बात फील करी कि सर आपका 2a - x किसके इक्वल आ गया, f x के, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो किस फॉर्म में आएगा, दिस, तो i = 2 × 0 से a, a क्या है आपके पास,
पाई बाय टू, तो पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो टू का टू रहने देना, जीरो से ए फिर प्रॉपर्टीज लगाओ, जीरो से ए वाली तो लॉग साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, टू का टू जीरो से पाई बाय टू साइन 90 माइनस एक्स करेंगे क्या आएगा कॉस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स। इन दोनों को ऐड करो, आई प्लस आई टू आई, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने में कितना आ जाएगा, टू तो कॉमन ले लो, एक स्टेप देखो जहां तक कॉपी क्या सब इधर का, देखो लिखा था सबने, लिख लिया था ना इधर का, देखो तो ध्यान दो। अब अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा, टू तो कॉमन ले लिया आपने, टू तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। टू देखो यहां भी है और टू यहां भी है, अंदर बचेगा जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, टू से टू कैंसिल, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू, देखो लॉग एम प्लस लॉग एन एम, ठीक है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है डी एक्स। डाउट नहीं होता है, ध्यान दो बच्चों। हाँ देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जीरो से पाई बाय टू कुछ मिल पा रहा है, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे एक ये फॉर्मूला जनरेट हो, ठीक है, और फॉर्मूला बनकर वो सॉल्व हो सके। तो स्पेशल क्वेश्चन है ये, स्पेशल बात है, तो आपको याद करने के लिए एक काम याद करना बेटा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में लॉग टू ऐड कर दो, लॉग टू माइनस कर दो। ऐसा क्यों किया गया, रीज़न है ताकि ये क्या बन जाए, फॉर्मूला जनरेट हो जाए। जीरो से पाई बाय टू देखो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन, तो लॉग टू साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो से पाई बाय टू लॉग टू डी एक्स। मैंने इसको अलग कर दिया और उस पूरी की बात अलग कर ली। हाँ जी क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बात बताओ बच्चों, जीरो से पाई बाय टू लॉग, देखो टू साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला किसका होता है, ये साइन टू एक्स, ठीक है, लॉग टू तो बाहर ले जाओ, अंदर बचेगा वन। यहां तक कोई डाउट मन में नहीं है, अब मुझे क्या काम करना है, पहले काम को जरा कॉपी करो फिर देखते हैं। देखो ध्यान दो, चल इस पूरे को अलग कर लो, आई वन मान लो, ठीक है, और आई वन के लिए मैंने अलग से लिखा है, इसे आई वन इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स। एक काम करो, लेट कर लो टू एक्स को t, क्या मान लिया इसको मैंने t, टू का टू रहेगा x का वन, डी टी अपॉन में डी एक्स, तो डी एक्स इजिकल टू बच्चों हो जाएगा डी टी अपॉन में टू। अब देखो अगर x की जगह जीरो था तो t की जगह क्या आ जाएगा, टू को जीरो से मिलाएगा कितना आएगा जीरो, और अगर x की जगह पाई बाय टू था तो t की जगह क्या आएगा, टू मल्टीप्लाई पाई बाय टू पाई, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो जाएगा। जब भी आप लेट करते हो तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है, 10.7.10 में हमने डिस्कस किया था। तो जीरो से लिमिट बन गई जीरो से पाई, और ये हो गया लॉग साइन टी डी टी, और ये डी एक्स चल गई डी टी बाई टू, तो वन बाई टू बाहर आ जाएगा। वन बाय टू, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपका जो क्वेश्चन क्या था, बात समझना, तो जीरो से पाई इसको रिप्लेस कर दो लॉग साइन एक्स डी टी डी एक्स। आपको ने बताया था बच्चों कि हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स को किससे, टी से, प्रॉपर्टी नंबर वन, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, तो मैंने वही किया, टी को रिप्लेस किया एक्स से और डी एक्स को डी टी, डी टी डी टी को डी एक्स रिप्लेस कर दिया। अब देखो चेक करो, ये जो था क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, अब तो मेरे पास ऊपर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिखवाया था जीरो से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स क्या आ रहा था आई, तो आई वन इज इक्वल टू वन बाय टू आई,
तो इस वाले का आंसर क्या आ गया, दिस। आगे देखो, हाँ यहां ध्यान देना, देखो आई तो ये रहा आई इज इक्वल टू, इस आई वन का आंसर क्या है, वन बाय टू आई माइनस लॉग टू का लॉग टू रहने दो, और वन का करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन एक्स पाई बाय टू और ये जीरो, ये माइनस वन बाय टू मन इधर आ जाएगा, तो आई प्लस वन बाय टू प्लस का माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लॉग टू, एक्स की जगह पाई बाय टू पुट करेंगे और जीरो में, तो यहाँ तो आ गया वन बाय टू आई, ये माइनस पाई बाय टू लॉग टू, आई इज इक्वल टू ये टू से टू कैंसिल, तो माइनस पाई लॉग टू, चेक करो ये आंसर है, ठीक है।